बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। आपको एक विशेष प्रयोग बताते हैं जिस प्रयोग को करके आप अपने दरिद्रता को अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। शनिवार को एक पुराना जूता या पुराना चप्पल ले लें अपना, इसको रात में पहन लीजिए और रात में पहन करके लगभग 9-10 बजे के बाद, थोड़ी रात ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद इसको पहन करके पैदल घर से चौराहे तक जाइए। चौराहे पर जूता या चप्पल निकाल करके छोड़ दीजिए। इसके बाद मन ही मन में प्रार्थना करिए कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाए। उसके बाद वहां से सीधे मुड़कर नंगे पैर अपने घर वापस आइए। पीछे से कोई बुलाता है, कोई पुकारता है या पीछे कोई आवाज आती है, पीछे मुड़कर के बिल्कुल मत देखिएगा। ये उपाय आप 6 महीने में एक बार कर सकते हैं, ज्यादा मत करिएगा इसको। 6 महीने में एक बार अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी दरिद्रता दूर होगी, दुर्भाग्य से आपको छुटकारा मिलेगा। और इस प्रयोग का सबसे अच्छा फायदा शनिवार को होता है। अगर आप चाहें तो शनिवार के अलावा मंगलवार की रात को भी ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शनिवार की रात को इस प्रयोग को करने के फायदे ज्यादा होते हैं। देखिए, घर में पुराने जूते चप्पलों को इकट्ठा करके मत रखिए। अगर आप पहनते हैं सब जूतों को, आप 20 जूते रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहनते हैं केवल 2 जोड़ी जूते और 8 जोड़ी जूते पुराने सालों से पड़े हुए हैं, जिनको आप ना तो पहनते हैं और ना ही जिनका प्रयोग करते हैं, तो ऐसे जूते चप्पलों को घर से निकालकर बांट देना चाहिए। किसी और के पैर में जाएगा, उसको फायदा होगा और आपके घर से जो निगेटिव एनर्जी है वो दूर होगी। अब अगर घर से पुराने जूते चप्पलों को हटाना है, किसी को देना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा दिन या तो शनिवार होता है या तो महीने में एक बार अमावस्या आती है। अमावस्या को आप पुराने जूते चप्पलों को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप पुराने जूते चप्पलों का दान करें, पहले उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें, ठीक कर लें, उसके बाद दान करें ताकि अगला व्यक्ति भी उसका इस्तेमाल कर सके। और ये काम अगर आप सप्ताह में एक दिन शनिवार को करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अमावस्या के दिन भी घर के जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें हटा करके उन्हें दान करना बहुत अच्छा माना जाता है।